जिस तरीके से जो यहाँ के मंदिरों के द्वार हैं वो काफी दिनों से बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो आरती और पूजा है वो माइक पर नहीं की जाती है, जो यहाँ के पुजारी हैं, प्रबंधक हैं, सीधा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, कितने सालों से यहाँ पर जो पूजा आरती है वो माइक पर नहीं होती है, और क्या क्या आसपास के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, किस तरीके? करीबन 35 साल तक रहते हैं, और 35 साल से इनका जो है पहले कोई ऐसा खास बात नहीं थी, अब आकर के इन लोगों ने जो है अति रख लिया, जो मत उग्रवाद कर रखा है। इधर से जो है नमाज पढ़ के आते हैं तो डंडा हाथ में लाते हैं, और डंडा हाथ में लाएंगे हमारे बोर्ड फाड़ दिए, इधर से आएंगे इधर से ईंट पत्थर फेंक देते हैं। ये हमें बाहर जैसे हम कीर्तन तन भजन करते हैं तो उसको भी मने करते हैं ये हमसे, और हम किंगी तो जैसे हम किंगे आपसे, भैया तुम्हारे मजे से हमें कोई मतलब नहीं है तो तुम क्यों रोकते हो, क्या तो हम तो बहुत मारेंगे तुमको, ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे यहाँ माइक वगैरह तुम, लेकिन ईंट पत्थर भी फेंकते हैं, सारे काम हमारे बोर्ड फाड़ दिए यहाँ हमारे सारे काम, मतलब पीछे से चारों ओर से हड्डी भी फेंकते हैं, तो हम जाते हैं पीछे फिर करके तो कहते हैं कि तुझे मारेंगे हम, तो गाली गलौज ऐसे हमें को देते हैं, फिर इस वजह से हम चुप पड़ जाते हैं। मतलब आप लोगों के यहाँ पे साथ भी कोई नहीं देता? हाँ, साथ भी कोई नहीं देता है, कोई नहीं डर के मारे, आपको हिंदू कमजोर पड़ रहे हो यहाँ तो आपको देखते रहेंगे, चाहे हम पिटते रहे तो हिंदू भी कोई मतलब बचाने वाला नहीं। जैसे हमारे शादी होने को दुल्हा दुल्हन आएगी तो उनके बहुत ईंट पत्थर फेंके थे, बहुत ही ज्यादा उनके घायल कर दें, इधर से इधर से चारों ओर से ईंट पत्थर फेंकते हैं, पूजा आरती भी नहीं कर देते हैं, कहते हैं कि माइक चलाओगे तो हम आरती को बंद करेंगे, आरती हम मारेंगे, लड़ाई झगड़ा जैसे भी बुरी गाली देते हैं, माँ बहन की भी गाली देते हैं।